पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर द्वारिका नाथ को इसी विभाग के विभागाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। प्रोफेसर द्वारिका नाथ ने गुरुवार को दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान उपस्थित प्रोफेसरों और शिक्षकों ने प्रोफेसर द्वारिका नाथ को अपनी शुभकामनाएं दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर द्वारिका नाथ ने कहा कि विभाग में रिसर्च की गुणवत्ता को बढ़ाना और पठन पाठन के कार्यों को और सुदृढ़ करना उनकी चुनौती होगी। उन्होंने कहा, आज मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आमंत्रण मिला और आज मैंने चार्ज ले लिया है, कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसके पहले भी मैंने अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। इसमें कई बार मैं परीक्षा में केंद्राध्यक्ष रहा हूँ, इसके अलावा मूल्यांकन केंद्र का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रॉक्टर होने के साथ साथ और भी अनेक पदों पर मैंने काम किया है, प्रशासनिक पदों पर, और आज मैंने विभागाध्यक्ष के रूप में चार्ज लिया है। विभागाध्यक्ष के रूप में कई चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। एक तो ये है कि रिसर्च की जो गुणवत्ता है तो उसको बढ़ाई जाए और मैंने ये कोशिश मैं करूँगा कि उसकी गुणवत्ता को जो है सुधारने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। रिसर्च हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण होता ही है, लेकिन उसमें जितना भी बढ़ोतरी हो जाए तो उतना ही अच्छा होगा। साथ ही साथ पठन पाठन नियमित रूप से विभाग में हो, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। यद्यपि हमारे विभाग की परंपरा ये रही है कि हमारे यहाँ पठन पाठन होता रहा है, लेकिन मैं इस बात को और सुनिश्चित करूँगा कि विद्यार्थी जो भी चाहते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा लाभ मिले और उनका जीवन सफल हो। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ काम भी किया है। हम लोगों ने अपनी तरफ से UGC के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि सिलेबस को आप चेंज करें और अपडेट करें, तो वो कार्य भी हम लोगों ने साल दो साल पहले संपन्न किया। अब विश्वविद्यालय के द्वारा CBCS जो है लागू किया जा रहा है, इसमें भी सिलेबस को और भी अपडेट किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को पूरा लाभ होगा और वो निश्चित रूप से अच्छी नौकरी में आएंगे, वे अच्छा रिसर्च भी करेंगे और साथ ही साथ जो अध्ययन वो करेंगे उसका लाभ विभाग को भी और समाज को भी मिलेगा।